राजसमंद के भीम में बुजुर्ग के पानी के टैंक में डूबने का मामला सामने आया, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पूरी घटना भीम थाना क्षेत्र के तीतरी गांव की है। तो वहीं घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और उदयपुर से डॉग स्क्वाड टीम को बुलवाया गया। सिरोही के आबू रोड में सशक्त राजस्थान विषय पर विशाल प्रदर्शनी का आगाज हो गया है। 3 दिवसीय प्रदर्शनी का स्यावा के हैप्पी डे होटल में आयोजन हुआ, जिसका सांसद लुम्बाराम चौधरी ने फीता काट का शुभारंभ किया, जिसके बाद सांसद ने करीब 80 स्टॉल पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सराहना भी की। इस दौरान पालिका अध्यक्ष, बीजेपी पदाधिकारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। अपन ने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसी समय से लगा करके अभी तक हमारे जो एनजीओ के मार्फत जो हमने दिया था सारा काम, आज आपने देखा होगा कि पूरे भारत से, भले तमिलनाडु हो, भले मध्य प्रदेश हो, भले महाराष्ट्र हो, या भले मतलब कन्याकुमारी से कश्मीर तक, विभिन्न विभिन्न विभागों द्वारा यहाँ आकर पढ़ने के और इसके लगाने का मेरे पीछे उद्देश्य ये है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की मंशा है कि एक एक योजना। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा प्रधान नितिन बंसल ने दिए गए विवादित बयान का मामला अभी शांत नहीं हुआ कि आज बीजेपी के सक्रिय सदस्यों की बैठक प्रधान नितिन बंसल के पारिवारिक निजी भवन में होना फिर से चर्चा का विषय बन गया है। प्रधान नितिन बंसल का एक वीडियो इन दिनों काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं 100 लोगों को मारकर पिंडवाड़ा का प्रधान बना हूं। यानी प्रधान नितिन बंसल लोगों की राजनैतिक हत्या करना खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं। इसके बावजूद बीजेपी की बैठकें उनके निजी पारिवारिक भवन में आयोजित हो रही हैं। इसको लेकर सच पे धड़क ने बीजेपी संगठन के जिला प्रभारी राजेंद्र गहलोत से बातचीत की, तो राजेंद्र गहलोत भी प्रधान नितिन बंसल का बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि स्वरूपगंज जिले का सेंटर पॉइंट है और यहाँ आने में जिले भर के कार्यकर्ताओं को सुगमता रहती है। राजेंद्र गहलोत ने कहा कि प्रधान को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, पर पार्टी स्तर पर प्रधान नितिन बंसल ने माफी मांग ली है, तो अब इस मामले को ज्यादा बढ़ाने से मतलब नहीं है। ये मेरे पास भी आया था, मैंने जानकारी ली, ये आज का कोई वीडियो नहीं है, ये कोई बहुत पुराना वीडियो है। प्रधान बनने की बात कही है ना, वो होगा, मेरे को नहीं जानकारी है। मैं जब यहाँ पे फरवरी बना उसके बाद अभी मेरे पास वो वीडियो आया, तो मैंने इसका पता किया भाई क्या है, तो यही कहा कि ये पुराना वीडियो है और इसको बार बार चलाया जाए। इसके बारे में जो भी उनको अपनी बात कहनी थी उपयुक्त जगह पे उन्होंने अपनी बात रख दी। एक जनपद चुने हुए जनप्रतिनिधि द्वारा इस प्रकार का बयान देना क्या बाकी, अगर कोई ऐसा बयान दिया है उन्होंने, तो उन्होंने उसके लिए जो अपेक्षित हमारे पदाधिकारी हैं जिनके समक्ष उनको सॉरी फील करना चाहिए, वहाँ सॉरी फील कर ली है, इसलिए इस मैटर। बालोतरा में जिला वॉलीबॉल संघ की ओर से वीर तेजाजी छात्रावास पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन अध्यक्ष भवनलाल बेनीवाल ने बताया कि इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें 9 टीमें महिला और 18 पुरुष वर्ग की टीमें शामिल हैं। अलवर के राजगढ़ में राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा की ओर से उपखंड स्तरीय पेंशनर सम्मेलन और वरिष्ठ पेंशनर सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। धर्मशाला में आयोजित इस सम्मेलन में विधायक मांगीलाल मीणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर 200 वरिष्ठ पेंशनर्स को शॉल, प्रमाण पत्र, डॉक्यूमेंट फाइल देकर सम्मानित किया गया। जोधपुर के शेरगढ़ पुलिस थाने में ऑपरेशन गरिमा के तहत महिलाओं और सुरक्षा सखियों की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान थानाधिकारी ने सिटीजन राजकोप ऐप को डाउनलोड करने को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए विस्तृत जानकारी दी। साथ ही महिलाओं बालिकाओं के अधिकारों को लेकर भी जागरूक किया गया। वहीं महिला कांस्टेबल पुष्पा और मूर्ति ने महिलाओं का आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए। इस मौके पर थानाधिकारी सवाई सिंह महावर, पुलिस सहायक उप निरीक्षक गोपी किशन सिंह, राजपुरोहित समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में एसपी विनीत वंसल के निर्देशन में धोलापानी थाना पुलिस ने अफीम तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। धोलापानी थानाधिकारी रविंद्र पाटीदार के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब 6.5 लाख रुपए मूल्य की 1 किलो 320 ग्राम अफीम जब्त की है।
और डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रतापनगर थाना पुलिस के हत्थे चढ़े हैं सेक्स टॉर्शन मामले में युवक और युवती। आरोपियों ने पुलिस कार्रवाई के दौरान हमला किया। आरोपियों के पास से एक धारदार चाकू भी मिला है। युवक संदीप शर्मा उर्फ सिराज और युवती रूबी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। परिवादी ने पुलिस को सूचना दी थी। आरोपियों ने पीड़ित को बुलाया था RUHS के सामने। नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा बीकानेर दौरे पर रहे हैं। इस दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के 10 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि 2024-25 के लिए भजन लाल सरकार ने जितनी बजट घोषणा की है वे सभी मार्च 2025 से पहले पहले धरातल पर उतर आएंगी। 2024-2025 के वित्तीय वर्ष के लिए जो बजट जारी किया, बजट पेश किया था और विधानसभा में जो बजट पारित हुआ है, मार्च से पहले पहले सारे काम धरातल पर उतरना शुरू हो जाए, इसमें कहीं कोई शक हुआ नहीं। जिनकी DPR बननी है DPR बन जाएगी, जिनका सर्वे होना है सर्वे हो जाएगा, जिनके टेंडर होने टेंडर हो जाएंगे, जिनमें भूमि आवंटित होनी है भूमि आवंटित हो जाएगी, जिसमें बाकी कोई काम होना है वो हो जाएगा, लेकिन इसी वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पहले सारे काम धरातल पर। जयपुर के चाकसू से खबर है जहां पार्षदों ने किया नगरपालिका बोर्ड बैठक का बहिष्कार। अध्यक्ष कमलेश बैरवा ने ईओ पर पार्षदों का अपमान करने का आरोप लगाया है। ईओ की ओर से पार्षदों से माफी नहीं मांगने पर बैठक का बहिष्कार किया गया। बैठक के बहिष्कार में सभी पार्षद बीजेपी कांग्रेसी दिखे हैं। एकजुट पालिका ईओ डॉक्टर बनवारी लाल मीणा ने अपनी सफाई दी है। चाकसू नगर पालिका का ये पूरा मामला है। दी गई थी अध्यक्ष के रूप में और वो उपस्थित थे तो उनके अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित थी, फिर भी उनके द्वारा जो है मीटिंग को स्वयं के द्वारा ही बहिष्कार कर दिया गया। तो मीटिंग का जो है समय से पूर्व ही जो है उन्होंने अवसान की घोषणा कर दी और इस प्रकार से जो है आज की मीटिंग हो नहीं पाई। वो प्रतिलिपि विधिवत दी गई थी अध्यक्ष के रूप में। जैसे हमारी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट हुई तो ईओ साहब ने हमारे पार्षदों को भी थोड़ा सा मतलब गलत शब्द के उपयोग किया उन्होंने, और जैसे ही बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होते ही हमारे साथी पार्षद आशीष जी ने ये कहा कि जो पिछली बार जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें 8 से 10 एजेंडे जो हमने पास करे थे उसमें कितने काम अपन ने कर दिए और कितने नहीं करे। उसमें सबसे विशेष था कि जो गायों के लिए जो चारा था का जो हमने प्रस्ताव पास किया था लेकिन वो आज दिन तक नहीं हुआ। तो हम पूरे पूरे मंडल की ये मंशा थी कि सबसे पहले तो जो पुराने काम है जो गायों के जो चारे हैं जो व्यवस्था करनी है उसकी व्यवस्था की जाए। तो ईओ साहब से बात करने पर ईओ साहब ने ये कहा कि मैं इसी जो बिंदु है जो बजट के जो बिंदु दिए हैं आज इनके अलावा अगर आप बात करोगे इनके अलावा मैं कोई बात नहीं करना चाहता। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ACB के रडार पर है घूसखोरों के परिजन। ACB अब घूसखोरों के परिजनों के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्तियों के मुकदमे दर्ज करेगी। ट्रैप की कार्रवाइयों के साथ अब आय से अधिक संपत्ति के भी मुकदमे दर्ज कर रही है। पिछले साल की तुलना में इस साल दर्ज किए गए 2 गुने आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे। ACB ने साल 2020 में केवल 5 आय से अधिक संपत्ति होने के मुकदमे दर्ज किए थे। पिछले साल ACB ने 11 मुकदमे तो इस साल अक्टूबर माह तक 23 मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। ACB के इतिहास में पहली बार इस साल में हुए इतने मुकदमे दर्ज। मुकदमों में अपराधियों के परिजनों को भी ACB ने आरोपी बनाना शुरू कर दिया है। हाल ही में ACB ने IAS राजेंद्र विजय की पत्नी को भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी करार दिया। FIR दर्ज हुई। अब ACB घूसखोरों को ट्रैप करने के साथ उनकी आय की भी पूरी जांच कर रही है। खबर उदयपुर से है जहां नाई थाना क्षेत्र के बड़ी तालाब में अज्ञात युवती का शव तैरता हुआ मिला है। सूचना के बाद पुलिस और नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को निकालकर MB अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस युवती की शिनाख्त में जुटी हुई। खबर धौलपुर से है जहां डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ की कमी से जूझ रहे सैंपो उपखंड मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण को पहुंचे सीनियर IAS और प्रभारी सचिव P. रमेश अस्पताल में व्यवस्थाओं की कमी और चिकित्सकों की गैर मौजूदगी देखकर भड़क गए। उन्होंने अव्यवस्थाओं को लेकर साथ में मौजूद तहसीलदार वीरेंद्र गुप्ता को मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी को फोन लगाकर बात करने और अस्पताल इंचार्ज के अनुपस्थित होने पर नोटिस देने के निर्देश दिए। इस दौरान अस्पताल के कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए चुनाव प्रभारी लगाए हैं। 28 चुनाव प्रभारियों की कांग्रेस ने नियुक्ति की है। हर विधानसभा सीट पर 4-4 चुनाव प्रभारी लगाए गए हैं। विधायक रफी खान, डूंगर राम गेदर, धर्मेंद्र राठौर, हाकम अली, अमित चाचान, रोहित बोहरा, विकास चौधरी, रूपिंदर सिंह कुंडर, उमेदाना बेनीवाल जैसे कई नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव को लेकर 3 कमेटियों का भी गठन किया है। इलेक्शन कमेटी में 4 नेताओं को शामिल किया गया है। ललित तूनवाल, मुमताज मसीह, ताराचंद सैनी और अयूब खान को कमेटी में शामिल किया है। पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। यहां पुष्कर पुलिस ने वाहनों को मॉडिफाइड करवाने वालों पर कार्रवाई की है, साथ ही 18 मॉडिफाइड वाहनों को जब्त किया गया है। यह कार्रवाई पुष्कर थाना CI राकेश यादव के नेतृत्व में की गई है।